नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, पूरे दिन कैसी मूव रही और कल के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, जितने स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज यहां पर जो है मैं कंटिन्यू इंट्राडे एक ट्रेडर हूं और आपको जो है इंट्राडे के मैं कंटिन्यू एक चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर टेक्निकल्स मैं बताते रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं आपको काफी चीजें बताता हूं और यहां पर यूट्यूब में तो मैं आपको डेली की वीडियो मैं बनाकर देता ही हूं। और देखिए, अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर जो मैं आधे आधे एक घंटे पर आपको जो है कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर बताता हूं कि अभी बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल ब्रेक होने जा रहा है, अभी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, अभी बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, अभी कौन से सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है, सारी चीजें मैं टेलीग्राम चैनल में ही बताता हूं। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पर दिया हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो। तो देखिए, जैसा कि आज हमारी जो है ओपनिंग जो हुई थी वो ओपनिंग आज 28,713 पर हुई थी। तो देखिए, और इसका जो लो लगा हुआ है वो 28,213 का लगा है और हाई जो है 29,028 का लगा हुआ है। देखिए, 29,000 का जो है लेवल आज बैंक निफ्टी ने क्रॉस तो किया बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे जो है एक शार्प फॉल भी आज देखने को मिला। वो शार्प फॉल क्यों देखने को मिला उसके बारे में भी बताऊंगा और जो है लास्ट के टाइम में जो है बहुत तेजी से एक रिकवरी आई है वो क्यों आई है, वो भी चीजें मैं आपको सारी चीजें यहां पर विद लॉजिक बताऊंगा। कंटिन्यू आप बने रहिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले यहां पर 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे आज हमने कौन से ट्रेड वगैरह लिए, वो सारी चीजें जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने 5 मिनट का यहां पर एक चार्ट ओपन किया हुआ है। तो 5 मिनट के चार्ट में यहां पर देखिए, यहां पर हमारी आज ओपनिंग हुई थी, ये 11 तारीख मैंने लगा लिया है और यहां पर फाइनली देखिए, मैं यहां पर 2 मिनट के कैंडल में काम करता हूं। तो 2 मिनट के कैंडल में देखिए, यहां पर जो है एक ब्रेकआउट काफी अच्छा हो रहा था तो फाइनली मैंने यहां पर जो है बाइंग की हमने कॉल ली थी। तो चलिए मैं जो है ट्रेड के बारे में जो हमने आज ट्रेड जो लिए हैं टेलीग्राम चैनल में वो सारी चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि आज जो है ये मतलब जो मूव जो हमने देखी है वो क्यों, मतलब किस तरह से इसका लॉजिक क्या था, ये सारी चीजें चलिए हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये देखिए, यहां पर जो है बैंक निफ्टी ने आज का हाई तो क्रॉस किया, हाई क्रॉस करने के बाद ये जो है 28,800 के बाद ऊपर जो है 200 से 210 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, फाइनली यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा था, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा था और कंटिन्यू ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो ये डबल टॉप पैटर्न जब इसने बनाया तो यहां पर कुछ इंडिकेटर अपने को मिल गया था और यहां पर एक 5 मिनट के चार्ट में अगर आप ये देखेंगे तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल भी यहां पर अपने को कंफर्म कर रही थी। सो यहां पर एक सेलिंग का ट्रेड बनता था, सो मार्केट में यहां पर सेलिंग आई। और मैं दूसरी चीज आपको यहां पर बताऊंगा कि ये देखिए, यहां पर एक जो है ट्रेंड लाइन, यहां पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ये देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद जो है हमने 28,300 की पुट यहां पर बाय करी थी। तो ये देखिए, इसलिए जो है मतलब ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, सो यहां पर जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहां पर देखिए इतनी शार्प सेलिंग आई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा यहां पर एक लेवल था, ये लेवल था कि हमको ये उम्मीद थी कि शायद यहां से बाउंस बैक कर जाए, यहां पर ये लेवल था, यहां से शायद ये बाउंस बैक कर जाए, बट यहां पर देखिए बाउंस बैक नहीं हुआ। फाइनली जो है इसने प्राइस एक्शन नहीं बनाया और जो है पिछले हायर हाई को क्रॉस, लोअर हाई को क्रॉस नहीं किया और जो फाइनली देखिए फिर नीचे की तरफ आया। और नीचे की तरफ आने के बाद जो है फाइनली जो एक 1:30 बजे के बाद से जो है ऊपर जो है एक ऊपर की तरफ मूव आई है, बहुत शार्प मूव आई है, वो कौन आई थी, वो ये देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसका मैं 15 मिनट का चार्ट कर देता हूं, फिर आपको जो है चार्ट अच्छे से दिखाई देगा। तो ये देखिए, यहां पर एक 15 मिनट का मैंने चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है देखिए कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। यहां पर आने के बाद जो है मार्केट ने यहां पर एक सस्टेन करना शुरू कर दिया और यहां पर रेंज बनानी शुरू कर दी थी। और यहां पर जब रेंज बनानी शुरू कर दी थी तो वहां पर मैंने एक पैटर्न ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को, वो पैटर्न इस तरह से था। देखिए, मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको लेके चलता हूं, उसके बाद फिर यहां पर देखिए वो पैटर्न किस तरह से था। वो पैटर्न मैंने ये पैटर्न बनाया था, ये देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट हो रही थी और मैंने यहां पर ये लेवल फाइनली था 28,475 का। और 28,475 का लेवल जैसे ही ब्रेक हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है 28,400 की कॉल मैं यहां पर बाय कर लूंगा और फाइनली हमने जो है 28,400 की कॉल जो हमने बाय की 295 रुपीज पर और इसको हमने एग्जिट किया, हमने 80% क्वांटिटी इसकी एग्जिट की थी 408 पर और फाइनली जो है 445 पर हमने सारी क्वांटिटी जो है एग्जिट कर दी थी। चलिए
चलिए ये तो हुई आज की बात, अब हम बात करते हैं कल की, कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको क्या करना है, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहां से हमको बाइंग करनी है, कहां से हमको सेलिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि ये देखिए, अब हम मैंने जैसा कि आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं तब तक हम बुलिश हैं। ठीक है, जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं तब तक हम बुलिश हैं, और जैसे ही हम ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज कर देंगे, मीन्स कम से कम 15 मिनट की कैंडल में, अगर 15 मिनट की कैंडल में कोई भी कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो वहां पर हम जो है बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमको यहां पर क्या करना है। सो देखिए, आज एक मार्केट ने आपको एक साइन दिखा दिया है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो मार्केट ने आपको एक छोटा सा डाउनफॉल दिखा दिया है। मीन्स अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए कि मार्केट ने एक छोटा सा मूव हमको इंडिकेट दिखा दिया है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बिकॉज जिस हिसाब से आज मार्केट में ये फॉल हो रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन आज ब्रेक हो जाएगी, बट यहां पर फाइनली यहां पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो गई। ठीक है, तो यहां पर मतलब मार्केट ने आज इंडिकेट दिया है, तो सो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमको थोड़ा यहां पर बाइंग अगर करनी है तो थोड़ा सा अलर्ट होकर बाइंग करनी है। और बाइंग का लेवल देखिए मैं आपको बता देता हूं, अब ये जो हाई लगा हुआ है हमारा 29,028 का, 29,028 के ऊपर मार्केट को कम से कम 8 से 10 मिनट सस्टेन हो लेने दीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए यहां पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 28,050 क्रॉस करता है, 28,050 क्रॉस करता है उसके बाद जो है आप सॉरी 29,050 क्रॉस करता है तो वहां पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं, बट वहां पर आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और टारगेट जो है आपको देखिए, मार्केट कल वॉलेटाइल हो सकती है, सो टारगेट आपको जो है 50 पॉइंट मिले, 70 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले, आपको कंटिन्यू अपने टारगेट बुक करते जाना है और स्टॉप लॉस को कंटिन्यू ट्रेल करते जाना है। सेकंड सिनेरियो देखिए क्या हो सकता है, मार्केट अगर यहां पर गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलती है, मींस मान लीजिए अभी क्लोजिंग जो आई है वो आई है 28,880 के लेवल पर। देखिए मैं राउंड फिगर बता रहा हूं, 886 है, मैंने राउंड फिगर में बात कर रहा हूं, तो 28,886 के लेवल पर क्लोजिंग आई है। मान लीजिए कल यहां पर 200-300 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और आपको यहां पर कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पर मिलता है, तो ट्रेंड लाइन के आसपास आपने जो है किसी बुलिश कंफर्मेशन का यहां पर वेट करना है, बुलिश कंफर्मेशन के बाद आप जो है यहां से बाइंग कर सकते हैं। तो ये आपके जो है देखिए दो बाइंग के कंफर्मेशन हो गए, सो मैंने दो सिनेरियो हो गए बाइंग के, एक तो 29,050 के ऊपर निकलता है तब आप बाइंग कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहां पर जो है ट्रेंड लाइन पर मिलता है। बट एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन के पास आकर कम से कम इसको एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, यहां पर एक मतलब जो मान लीजिए हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद फिर लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने के बाद फिर अगर दोबारा हाई को ब्रेक करता है, मींस देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, ट्रेंड लाइन को टच किया और फाइनली जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम यहां पर जो है फिर यहां पर बाइंग करेंगे, मींस ये हम एक प्राइस एक्शन की वेट करेंगे उसके बाद बाइंग करेंगे। मान लीजिए यहां पर ये ओपनिंग होती है, ठीक है ना, 100 पॉइंट नीचे होती है, उसके बाद 100 पॉइंट और नीचे जाता है और ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर फिर रिवर्स होता है, रिवर्स होने के बाद फिर इस तरह से देखिए जो इसका ओपनिंग था इसको ब्रेक करता है, फिर यहां पर हम बायर बनेंगे, यहां पर हम बाइंग करेंगे। और फाइनली एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब हम सेलर बनेंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम वहां पर सेलिंग के लिए हम फोकस करेंगे। हमारा देखिए पहला टारगेट होगा 28,230 का, दूसरा टारगेट हमारा यहां पर होगा 27,920 का और तीसरा टारगेट हमारा होगा 27,600 का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और देखिए, यहां पर मार्केट जो है 8 दिनों से कंटिन्यू जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो मार्केट में कभी भी किसी भी टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो यहां पर जो है कंटिन्यू मार्केट डेली गैप अप ओपन खुल रही है, तो यहां पर कंटिन्यू गैप बनते जा रहे हैं, तो ये गैप फिल करने के लिए मार्केट जरूर एक बार नीचे आएगी। तो देखिए अब मैंने आपको ये सिनेरियो बता दिया, एक मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग का बता दिया, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद इसको 29,050 क्रॉस करने दीजिए, तब आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए यहां पर 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद फिर जो है 100 पॉइंट और नीचे आकर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर जो ऊपर की तरफ इसका हाई ब्रेक करता है, डे ओपनिंग ब्रेक करता है, तो फिर वहां पर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा सेलिंग देखिए आपको कब करना है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे कैंडल क्लोज होगी तो आप जो है सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखिए मार्केट में कुछ समझ रखते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है, अगर आप ऑप्शन में एक अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं, आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना आता है, तो आप जो है मतलब यहां पर इसके नीचे जो है स्ट्राइक प्राइस कल बहुत ध्यान से चूज करिएगा। बिकॉज जो है देखिए मान लीजिए अगर मार्केट 28,400 पे चल रही है तो आपको 28,000 ATM और ITM में काम करिए,
ओटीए में काम मत करिए, बिकॉज आउट ऑफ द मनी देखिए आपको जो है कल देखिए एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। बिकॉज देखिए मैं मोस्टली एक्सपायरी के दिन में ऑप्शन राइटिंग करता हूं, और कभी मेरे को ऐसा मेरे को दिखता है कोई इंपल्स मूव आने वाली है तब मैं वहां पर जाकर ऑप्शन बाइंग करता हूं, अदरवाइज मैं जो है एक्सपायरी डे वाले दिन जो है मैं ऑप्शन राइटिंग करना ज्यादा पसंद करता हूं। तो ये मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं। ऊपर की तरफ का मैं आपको बता दिया कि 29,050 निकलने के बाद आपका जो है पहला टारगेट होगा 29,130 का, दूसरा टारगेट होगा 29,270 का, और तीसरा टारगेट होगा 29,480 का। और अगर फाइनली नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 28,240 का, उसके बाद 28,950 का, उसके बाद फिर 27,600 का। तो ये तीन टारगेट नीचे की तरफ हैं और तीन टारगेट ऊपर की तरफ हैं। एक्सपायरी डे है, बहुत ध्यान से काम करिएगा, मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। चलिए आइए अब जो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी में आज देखिए मैं इसको डे का चार्ट लगा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर कंटिन्यू देखिए डबल टॉप बॉटम पैटर्न ब्रेक करने के बाद जो है एक्सिस बैंक कंटिन्यू ऊपर की तरफ चले जा रहा है। यहां पर हमने कल बताया था 587 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, हमारा टारगेट जो है 595 और 600 का था, तो फाइनली यहां पर देखिए टारगेट हमारा 611 तक अचीव हो गया। नेक्स्ट बंधन बैंक मैंने आपको बताया था आज का हाई क्रॉस करने के बाद, बट यहां पर आज का हाई क्रॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज का हाई इसने क्रॉस नहीं किया है, यहीं पर इसने एक रेड कैंडल बना दी है। तो अभी इसको जो देखिए मैंने यहां पर आपको बताया है कि यहां पर एक जो है रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल से यहां पर सेलिंग आ सकती है, सो यहां पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। नेक्स्ट है फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक भी देखिए ये भी जो है एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अपने चल रहा है। ये देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया एक रेजिस्टेंस लेवल, ये देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम देखिए निकला था बट यहां पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये फिफ्थ टाइम है। तो यहां पर देखिए अभी जो है नीचे की तरफ आ सकता है, और हमारा टारगेट जो है देखिए नीचे की तरफ क्या हो सकता है सेलिंग एक्टिव होने के बाद, अभी सेलिंग एक्टिव हुई नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक ने भी देखिए आज जो है एक अनडिसीजन कैंडल बना दी है, मीन्स एक डोजी कैंडल बना दी है। जब किसी भी अप ट्रेंड के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद एक डोजी कैंडल बनती है तो वहां पर जो है हमको अलर्ट होने की जरूरत है। अगर हम बायर हैं तो हमको जो है अपनी 80% पोजिशन बुक कर लेनी है, अगर डाउन ट्रेंड है और वहां पर कोई डोजी बनती है तो वहां पर जो हमको 80% पोजीशन अपनी बुक कर लेनी है। सो डोजी जो होता है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कल को ये 1370 लो का 1370 ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो यहां पर आप जो है सेलिंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक देखिए अभी भी ये मेरे को बुलिश लग रहा है, और इसने भी देखिए कल जो है एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाया था, आज भी सेम टाइप की कैंडल है, तो इसको जो है इसका हाई क्रॉस होने के बाद इसको देखिएगा 490 के ऊपर, टारगेट हमारा रहेगा 495 और 500। नेक्स्ट है आईडीएफसी, इसको छोड़िए जाने दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक ने देखिए अभी हाई क्रॉस नहीं, यहां पर मैंने आपको बताया था 840 के ऊपर, तो यहां पर देखिए 840 का जो आज हाई क्रॉस नहीं हुआ, तो 840 के ऊपर जैसे निकलेगा तो हम यहां पर बायर बनेंगे, और 750 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम यहां पर कल सेलर बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक, तो कोटक बैंक ने देखिए अच्छी एक मूव दी है, यहां पर कल मैंने आपको बताया था 1750 के ऊपर सस्टेन होने देना है, तो 1750 के ऊपर देखिए यहां पर जो इसकी जो ओपनिंग हुई थी ये ओपनिंग ही जो है मतलब 1774 पर हो गई थी, तो यहां पर फाइनली देखिए यहां पर बहुत अच्छा टारगेट है यहां पर हमारा जो है, अगर जिन लोगों ने लिया होगा, हमने तो खैर नहीं लिया था, तो जिन लोगों ने भी लिया होगा देखिए यहां पर 1818 का हाई लगा है, तो 1774 से जो है 1818 देखिए काफी 50 पॉइंट की अच्छी खासी मूव होती है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, इसको मैं नहीं देखता हूं। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक भी देखिए ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, तो इसको क्रॉस होने दीजिए, अभी इसमें जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस अपना यहां पर क्रॉस किया है, अभी यहां पर हमारा टारगेट देखिए क्या होने वाला है, यहां पर जो है ये जो कैंडल जो बनी हुई है देखिए नीचे की तरफ से भी बाइंग प्रेशर सेम है और ऊपर की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर सेम है, और फाइनली यहां पर एक डोजी कैंडल बनी है, तो यहां पर फिलहाल इसका हाई और लो ब्रेक होने की सिचुएशन में हम काम करेंगे। इसका अगर हाई ब्रेक होगा 240 का तो उसके बाद हम बायर बनेंगे, और अगर लो ब्रेक होगा 227 का तो हम यहां पर सेलर बनेंगे। तो देखिए मैं अब आप लोगों को जो है अपने टेलीग्राम चैनल में लेकर चलता हूं, और टेलीग्राम चैनल में बताता हूं कि आज हम लोगों ने कौन कौन से ट्रेड लिए थे, और मतलब किस तरह से मैंने आपको चार्ट पोस्ट किया था, और वो ट्रेड हमारे किस तरह से उस ट्रेड ने हमारे किस तरह से परफॉर्म किया। तो चलिए आइए मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, ये देखिए अब मैंने यहां पर जो है आपको ये हमारा जो है सॉरी
यहां पर हम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट चार्ट पर यहां पर पोस्ट किया था, तो जब मार्केट यहां पर ओपन हुई थी, तो ये मेरा 5 मिनट की कैंडल में चार्ट मैंने बताया था। तो ये देखिए, यहां पर हमने 28,800 की कॉल हमने यहां पर 332 पर बाय की थी और 411 पर हमने यहां पर फाइनली सेल की थी, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने चार्ट अपडेट किया था। ये देखिए जो है, रेजिस्टेंस निकलने के बाद इसने कितनी अच्छी इंपल्स मूव की थी। नेक्स्ट देखिए, मैंने दूसरा ट्रेड जो बाय हमने किया था 236 रुपए पर बाय किया था, 29,000 की कॉल बाय करी थी 236 पर, और इसको हमने 296 पर हमने इसको एग्जिट किया था। और यहां पर देखिए, मैंने एक निफ्टी 50 का आपको यहां पर चार्ट बताया था कि अगर ये ऊपर की रेंज ब्रेक करता है तो हम यहां पर बायर बनने वाले हैं, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम ये ट्रेंड लाइन तक जो है हम यहां पर सेलर बनने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली देखिए, यहां पर जो है, हमने जो चार्ट हमने पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने यहां से मूव तो दे दी थी, इतना हमारा टारगेट अचीव हो गया था। अब मैंने यहां पर बताया था कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए अगर इसके ऊपर निकलता है तो बायर बनिए, अदरवाइज यहां पर सेलिंग के लिए देखिए, ठीक है। तो फाइनली यहां पर देखिए, जो मैंने यहां पर पहले ड्रॉ करके बताया था, तो फाइनली यहां से जो है सेलिंग स्टार्ट हुई, और सेलिंग स्टार्ट होने के बाद हमारा यहां पहला टारगेट यहां पर अचीव हुआ, बट हमने ये ट्रेड लिया नहीं था, ठीक है। टारगेट एक मेरे माइंड में था कि ये टारगेट ट्रेंड लाइन तक हो सकता है। फाइनली हमने ट्रेड कब लिया था, जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था उसके बाद हमने जो है अपना टारगेट लिया था। तो यहां पर देखिए, मैंने टारगेट जो लिया था अपना 28,800 की कॉल हमने जो है 282 रुपए में ली थी, 28,800 की कॉल जो थी हमने ये 282 रुपए मिली थी, और इसको जो है हमने बुक किया था 463 रुपए में, 80% क्वांटिटी बुक की थी और 490 में हमने इसको फुल बुक किया था। नेक्स्ट देखिए, पांचवा ट्रेड था हमारा ये, यहां पर देखिए मैंने क्लियर कट यहां पर जो है मैंने आप लोगों को पोस्ट करके बताया था कि यहां पर जो है मैंने ये चार्ट भी, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था तब भी मैंने चार्ट आप लोगों को पोस्ट किया था। और फाइनली मैंने यहां पर बताया कि मैंने 28,800 की जो है पुट यहां पर बाइंग करी थी, जो मैंने अभी चर्चा की है 282 रुपए में, और इसको हमने देखिए 463 रुपए में, 463 में हमने जो है इसको 80% क्वांटिटी बुक की, और 490 में हमने इसको फुल क्वांटिटी बुक की थी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये हमारा फिफ्थ ट्रेड था, यहां पर मैंने बताया था देखिए 28,301 जो है सपोर्ट लेवल है, तो यहां से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा सकता है। देखिए, सपोर्ट लेने का मतलब क्या होता है पहले इस चीज को समझिए आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये दो एरो ड्रॉ करके दे दी तो आप जो है इसके बेस पर मतलब ट्रेड कर लीजिए और मतलब विदाउट कन्फर्मेशन ट्रेड करिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि यहां पर 28,300 लेवल के पास आने के पास यहां कम से कम 10-15 मिनट यहां पर होल्ड करे, होल्ड करने के बाद यहां पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे। कभी भी मैं अगर आप लोग को इस तरह के चार्ट पोस्ट कर रहा हूं तो वहां पर रेजिस्टेंस पर रेंज बनने दीजिए या सपोर्ट पर रेंज बनने दीजिए, उसके बाद जहां पर ब्रेकआउट होता है वहां पर ट्रेड लीजिए, आप जो है बहुत अच्छे पैसे बनाकर जाएंगे। तो फाइनली हमने देखिए यहां पर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है, यहां पर जो है नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, तो हमने यहां पर जो है 269 रुपए में 28,300 के पुट दी थी और 334 रुपए में फाइनली इसको जो हमने एग्जिट कर दिया था, बिकॉज वहां पर जो है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैंने देखा, तो वहां पर मैंने एग्जिट कर दिया। अब यहां पर देखिए, मैंने आप लोगों को एक चार्ट मैंने यहां पर पोस्ट करके दिया था, ये हमारा लास्ट रेट था, ये लास्ट रेट जो था हमारा 28,400 का, 28,400 कॉल। यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी आई विल बाय 28,400 कॉल आफ्टर ब्रेक ब्लू ट्रेंड लाइन। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक होने के बाद मैंने बताया था कि मैं जो है 28,400 की कॉल मैं यहां पर बाय कर लूंगा। तो फाइनली यहां पर जो देखिए 28,400 की कॉल यहां पर ब्रेक हुई, 28,400 की कॉल ब्रेक जो हुई उस टाइम हमने जो है 295 पर हमने इसको बाय किया था, और फाइनली इसने बहुत अच्छा मूव दिया, इंपल्स मूव दिया, 295 से हमने 408 पर इसको जो है 80% क्वांटिटी बुक की और फाइनली 445 पर जो है हमने इसको फुल बुक कर दिया। बट इसने हाई जो लगाया था 569 या 600 के आसपास का लगाया था, बट हमने, मेरे को थोड़ा काम था सो मैं इसको 450 के नियर अबाउट मैंने सारा बुक कर लिया था। तो यहां पर देखिए जो है 28,475 के लेवल का ये था, ठीक है ना, 28,475 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, मीन्स ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, तो इसने जो है देखिए 29,000 के लमसम, सॉरी 28,475 का 28,800 के नियर अबाउट इसने जो हाई लगाया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मतलब 400 से 500 पॉइंट्स की मूव जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद मिली थी। सो देखिए, मैं इस तरह के ट्रेड आप लोगों को, इस तरह के जो है सिनेरियो आप लोगों को पोस्ट करता रहता हूं यहां पर टेलीग्राम चैनल में, मैं आपको बताता रहता हूं कि मैं यहां पर अभी कौन सी कॉल बाय करने जा रहा हूं, कौन सी पुट बाय करने जा रहा हूं। देखिए, मैं यहां पर आपको प्रॉपर लेवल नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे को ऑप्शन बैच में प्रॉपर लेवल्स वहां पर टाइप करके वहां पर सेंड करना होता है,
उसके बाद मैं अपने खुद के ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, फिर जो है मैं यहां पर चार्ट पोस्ट करता हूं। अगर आपको प्रॉपर लेवल चाहिए कि 28,400 की कॉल जो है बाइंग करनी है, 295 रुपए में 295 में बाय करनी है, 260 का स्टॉप लॉस है और इसका टारगेट क्या है, ये सब चीजें आपको पूरा मेंशन प्रॉपर रूप से अगर लिखा हुआ चाहिए आपको, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है, आपको हमारे साथ अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में। आप अकाउंट ओपन करने के बाद जो है मेरे पर्सनल ट्रेड के जो है यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। मीन्स यहां पर जो मैं पर्सनल ट्रेड मैं खुद करता हूं वही मैं ऑप्शन बैच के ग्रुप में देता हूं, उन लोगों को मैं वही ट्रेड देता हूं, और जो मतलब मेरे से सीख रहे हैं उन लोगों को भी मैं सेम ट्रेड देता हूं जो ट्रेड मैं खुद करता हूं। सो अगर आप लोग भी हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहां से अकाउंट ओपन करिए एंजल ब्रोकिंग में या अलाइस ब्लू में, उसके बाद जो है आप जो है मेरे पर्सनल ट्रेड जो है लेने के एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड देखिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।